तो आइए जानते हैं 10 सरल योगासन और उनके फायदे। दोस्तों, बाबा रामदेव ने सरल प्राणायाम और योगासन के जरिए योग को आम जनता के बीच काफी पॉपुलर कर दिया है। उनके मुताबिक समय समय पर योग शिविर और अन्य माध्यमों से बताए गए सरल प्राणायाम और योगासन का फायदा करोड़ों लोगों ने उठाया है। आज हम आपको ऐसे ही 10 सरल योगासन और उनके फायदों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले है कपालभाति प्राणायाम। इसको करने से मोटापा, सांस की बीमारी, इनडाइजेशन, स्किन डिजीज और बालों की प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। दूसरा आसन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे रेगुलर करने से बीपी, अस्थमा, सर्दी जुकाम, साइनस, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। तीसरा आसन है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने से सिरदर्द, टेंशन, स्ट्रेस, नींद न आना, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। चौथा है उज्जायी प्राणायाम। इससे लंग्स मजबूत होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और अस्थमा में फायदा होता है तथा हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। इसके बाद है ब्रह्मा प्राणायाम। इससे कब्ज, एसिडिटी, यूरिन और पेट की प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। जेनिटल ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं। छठा आसन है मंडुकासन। मंडुकासन का प्रयोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स और पैंक्रियास की प्रॉब्लम को ठीक करने में किया जाता है। सातवां आसन है वक्रासन। वक्रासन को करने से पेट, पीठ, कमर और डायबिटीज के लिए अच्छा माना जाता है। बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में भी हेल्पफुल होता है वक्रासन। इसके बाद है गोमुखासन। गोमुखासन से कंधों का दर्द दूर होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स में फायदा होता है और कमर की चर्बी घटती है। नौवां आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का इस्तेमाल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मोटापा, इनडाइजेशन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द जैसी प्रॉब्लम्स में फायदेमंद होता है। दसवां आसन है भुजंगासन। भुजंगासन का इस्तेमाल पीठ का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया जाता है तथा इससे पेट की चर्बी भी कम होती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 योगासन और उनके फायदे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम आपको इसी तरह के रोचक वीडियोस दिखाते रहेंगे।